हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले पेपर्स, चाहे वो पीपीएससी है, चाहे वो हम बात करें पीएससीबी क्लर्क एग्जाम है, अपकमिंग पटवारी पोस्ट है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल या एसआई की बात करें, जी हाँ, इसके बाद में चाहे आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करें या कोई भी आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मंडी बोर्ड है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, मैक्सिमम हमें आगे वैकेंसी से देखने को मिलेगी। पंजाब गवर्नमेंट डेफिनेटली आपको वैकेंसी से रिलीज करके वो देंगे। मैं आपको पहले से सचेत करूंगा यार, तैयार हो जाओ एकदम, ठीक है ना, एकदम हौसला मत छोड़ो। कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। एक बार क्या हुआ ना, जैसे पतले से लोग होते हैं ना जिनके हाथ में फोन होता है, बस उन्होंने इधर उधर घूमना है। आपको अगर कोई भी वीडियो मिल जाए व्हाट्सएप पे और अतकराती इस तरह की, ये बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। मैंने पर्सनली इस चीज को देखा है। मैक्सिमम लोग, हमारे यूट्यूबर के सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं कि आप अगर किसी भी अदर वीडियो को देखते हो तो उसकी डिटेल हमारे पास आती है। मैं ऐसा कभी मना नहीं करूंगा यार कि आप मत देखो, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपका गोल है, देखो किसी ने सच कहा है कि इस दुनिया में आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मेरी बात करूंगा तो मैं कहूंगा मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे कीमती चीज है मेरा प्रेजेंट। अगर ये मेरा प्रेजेंट निकल गया तो मैं दुनिया में खरीद नहीं पाऊंगा। चाहे आप कल को हीरों के बादशाह बन जाएं, आप इतने आपके पास कोहिनूर हैं, बिजनेसमैन बन जाएं, आपके पास डायमंड्स के बन गए आप, लेकिन अपना प्रेजेंट आप कभी नहीं पे पाओगे। मैं यही कहता हूं कि जो समय है, टाइम की इज्जत करो और टाइम डेफिनेटली तुम्हारी इज्जत करेगा। जी हाँ, मैं यही चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट्स की पॉकेट में गिल्ज मेंटोर हो और आप सबका प्यार गिल्ज मेंटोर को चाहिए। हम एक बहुत बड़ा परिवार बनते जा रहे हैं। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन सिर्फ ये है कि आपको यार एक बैग उठाकर, एक रजिस्टर उठाकर, और ये ठंड है देखो, इस ठंड में आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, लेकिन गिल्ज मेंटोर ऐसा नहीं चाहता कि आप जाओ, आपकी तकलीफ है, आप घर बैठे आराम से स्टडी करो, आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी। मैंने आपको एक हमारे यूट्यूब के मैसेजेस के अंदर मैं टाइम टेबल बता दिया, फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा, यानी मॉर्निंग 10 बजे से 11 बजे के बीच में क्लास होगी, इसके बीच में आफ्टरनून 3 बजे की क्लास होगी और इवनिंग की क्लास 7 बजे होगी, और एंड की क्लास अगर हमें रहा, मैं आपको पहले हम अलर्ट कर देते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जी हाँ, उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो हो सकता है हम लोग देर नाइट 9 बजे या 10 बजे क्लास भी लाइव ले सकते हैं। जी हाँ, आपके आने वाले पेपर्स के लिए शायद तक आप उतने सीरियस नहीं होंगे जितने हम लोग सीरियस हैं। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। बताना चाहूंगा कि मैथ्स पाठशाला के अंदर हम ट्राइंगल पार्ट 2 करेंगे, जो पीसीएस, पीएससीबी, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको मालूम है यार कि क्लास की शुरुआत एक बहुत अच्छे थॉट से करते हैं। कुदरत ने हम सबको एक हीरा ही बनाया है, बस, यानी शर्त यह है कि जो जितना आप अपने आप को चमकाओगे उतने ही चमकोगे। इसका मतलब होता है ना, जो ज्वारी होता है अपना, जिदा पंजाबी च कह देने की एक सुनार है, राइट। इदा मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर हर कोई बंदा इदा ने काम करता है, राइट। मैं कहूंगा कि जेड़ा एक कारीगर है, किसी भी चीज को आप जितना घसाओगे उतना ही वो चमकेगी। ये पॉलिश करेंगे किसी लकड़ी पे, जितनी आप पॉलिश करके उसको रेगमार का पेपर लगा के घसाओगे उतनी खूबसूरत चीज निकलेगी। मैं आपको यही कहूंगा कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना खूबसूरत हीरा बन रहे हो आप। जी हाँ, चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्ट्रक्चर शुरू कर चुका हूं। मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से। बेसिक से हम लोग पढ़ते पढ़ते कहां तक जाएंगे? जी हाँ, इस बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम हाई लेवल पे जाएंगे। मेरे को नहीं पता आपको मैथ्स कितना आता है। मैं ये मानता हूं कि आपको मैथ्स नहीं आता है, बस मेरी थ्योरी में ये बात है। इससे पहले मैंने देखो आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया कुछ। मैंने आपको देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम लोग क्या है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का कंसेप्ट एक साथ लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया कि एक ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल कहते किसे यार? ट्रायंगल उसे कहते हैं, देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातें मैं रिपीट करता चलूंगा, और मैं इसलिए रिपीट करूंगा कि आपको हर एक बात अच्छे से रिपीट हो जाए। जो हमने पिछला सेशन किया है, ये सेशन लंबे चलेंगे, चाहे मेरे को 2 घंटे का सेशन क्यों ना लगाना पड़े, मैं आपको अच्छे से काम करवाऊंगा, मेरे साथ आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इसकी कितनी साइड्स हैं। तो पहली साइड होगी ए बी, दूसरी होगी बी सी, और तीसरी साइड होगी सी ए। देर आर 3 साइड्स। जी हाँ, अब अपने बात करते हैं कि इसके कितने वॉर्टेक्स हैं, 3 वॉर्टेक्स हैं, और कितने एंगल्स हैं, 3। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ द 3 एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। अब यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड, इट इज ए ट्राइंगल। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली किसी हिंदी मीडियम से,
पंजाबी मीडियम से पढ़ा है तो मैं आपको वैसी बातें रिपीट कर दूंगा, यानी आप यानी सिंपल तरीके की बातें आप समझ रहे होंगे जी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम आप जबरदस्त तरीके से समझ जाओगे, ठीक है ना। एक बार क्या था ना, पतला सा बंदा था, मतलब मेरे से इतनी बहस कर रहा है कि सर आप प्रूफ करके बताओ, मुझे ट्राइंगल प्रूफ करके बताओ। मैं आपको आज प्रूफ करके बताऊंगा कि मैंने उस स्टूडेंट को पर्टिकुलर प्रूफ करने के लिए कितना टाइम लगाया था। जी हाँ, ऐसा नहीं था कि वो क्यों लगाया, क्योंकि कई बार ऐसे जिद्दी लड़के होते हैं कि ऐसे लड़कों को ना, जैसे पड़ोसियों में अगर मतलब लड़ाई हो जाए ना, सरपंची के इलेक्शन चल रहे हैं तो उदा पड़ोसियों वाल लड़ाई हो जाए तो यही कह देना भी चक के बंदूक पड़ोसियों वाल हो जा, तो हवा के बुलारे ना ही दूजे पास घर वाले मार देंदे होंगे, हवा ना ही घूम जाते होंगे इदा के, ठीक है ना। तो ख्याल करा करो इदा ने स्टूडेंट्स। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे दो तीन लोग हैं कि वो हमारे वीडियो को डिसलाइक करते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये बताता हूँ प्यारे बंधु, आप रीजन बता दीजिए आपको क्यों पसंद नहीं है। आप वीडियो देखते नहीं हो, अगर 30 मिनट का लेक्चर है ना तो वो देखता ही नहीं है, ये देखती नहीं है, वो फटाफट डिसलाइक करके आगे निकल जाते हैं। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है यार, तो समझना लोगों की थ्योरी को बहुत डिफरेंट हो रहा है। जी हाँ, चलिए बहरहाल अब अपने ये बात समझ गए। इसके बाद में देखो ट्राइंगल्स कितने पार्ट के हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने क्यों नहीं पढ़ाया उसके पीछे रीजन है। नंबर दो हम लोग पढ़ेंगे यानी आइसोस्केल ट्राइंगल, जी हाँ आइसोस्केल ट्राइंगल। नंबर तीन पर हमें पढ़ना है स्केलन ट्राइंगल, जी हाँ। नंबर चार पर पढ़ना है हमें राइट एंगल ट्राइंगल, जी हाँ। मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और बीच बीच में आपको मेंसुरेशंस के मैं क्वेश्चंस बताता चलूंगा। इससे पहले मैंने आपको इंट्रो बेस की क्लास लगाई थी और मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि जो 2016 के अंदर पटवारी का पेपर हुआ था पंजाब में, और इसके अंदर जो टॉप स्टूडेंट्स थे वो गिल्ज मेंटोर के ही स्टूडेंट्स थे, जी हाँ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम वैसा काम करेंगे कि आप सबके साथ मिलकर उस काम करने के लिए मजा आएगा, जी हाँ। चलिए अब अपने देखते हैं, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से चलेंगे। मैंने आपको कल बताया था इस कंसेप्ट के अंदर कि मैंने आपको टीच किया था आइसोस्केल, यानी मैंने आपको माफ करना जरा, मैंने आपको टीच किया था आइसोस्केल ट्राइंगल, जी हाँ। इस आइसोस्केल ट्राइंगल की डेफिनेशंस के बारे में आपको मालूम होगा कि क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, लंबाई में बराबर होती है, जी हाँ। मैंने कहा कि ए और बी और सी, दिस इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे सम द्विबाहु, ठीक है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यानी ये आपको ख्याल ही रखना है, इसकी एक साइड, इसका मतलब हो गया कि इसकी ए बी के बराबर क्या होगा, ए सी इक्वल होंगी। पेपर में कभी भी ऐसा दे दिया जाता है तो आपको अगर ये कहा जाए, ठीक है, कि एंगल एक्स मतलब एंगल बी एक्स डिग्री है तो एंगल ए कितने डिग्री होगा, या आपको पूछा जाए कि एंगल सी कितना होगा, तो ये ध्यान रखना है कि आइसोस्केल ट्राइंगल के ऊपर बेस पर बनने वाले एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि एंगल बी इज इक्वल एंगल सी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के एंगल इस आइसोस्केल के अंदर बराबर होते हैं, जी हाँ, ये आपको ख्याल रखना है। कैसे, अगर मैं ये कह दूं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास यहां मैं कह दूं कि 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो 50 ये 50 ये 100, 180 में से 100 जब माइनस कर देंगे तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 80 डिग्री का। आपको ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखो मैंने इसका क्या था, एरिया निकालने का आपको फॉर्मूला बताया, एरिया निकालने का क्या बताया, फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला बताया, मेरे साथ रिपीट करेंगे गाइज, मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार करवाऊंगा। ए अपॉन में 4, यानी रूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4b² - a². मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि हमारा लेक्चर एक दिन छोड़ के आता है, प्लीज आप उस पहले वाले को अच्छे से देखें पढ़ें। मैं आपको धीरे करवाऊंगा पर जितना करवाऊंगा बहुत मजेदार करवाऊंगा। हमारा मतलब सिर्फ यहां पर व्यू बढ़ाना या वो नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको कुछ सिखाना है, जी हाँ। अब देखो किसी भी ट्राइंगल का आपने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड, यानी किसी भी फिगर ने जगह कितनी घेर रखी है। तो देर आर थ्री साइड, तो आप कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर कोई भी ट्राइंगल की भुजाएं ए बी सी दे रखी हैं तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम डीप में चले जाते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास इस प्रकार से एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, मैंने कहा कि ट्राइंगल ए ये बी और ये सी है, जी हाँ। मैंने इसके बीच में एक इस प्रकार से एक क्या ले लिया, मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया जिसका नाम मैंने रखा डी। ये मेरे पास साइड कौन सी होगी, देखो बी के सामने वाली, अगर मैं इसको बी मान लेता हूं, ये प्यारे बंधु सी हो गया, ये मैंने अगर ए ले लिया तो ये मेरे पास ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु, हम ए में से माइनस एक्स कर देंगे। चाहे आप इसको ए बाई टू भी ले सकते हैं और इसको ए बाई टू ले सकते हैं, क्वेश्चन के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको ये मालूम होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो
जो एंगल्स होते हैं, कैसे कैसे एंगल होते हैं मैं समझा देता हूँ। जैसे स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में ये बिंदी है, इस बिंदी का मतलब है कि यहां पर 360 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है, यानी 360 मतलब इस तरह से, ठीक है जी हाँ। अब अगर बात करें तो एक लाइन के ऊपर जब आपको पूछा जाए तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 का मतलब कि आपने परपेंडिकुलर ले लिया, ये परपेंडिकुलर का नाम मैं रख देता हूं ए बाई बी। ये कौन से परपेंडिकुलर है ये मैं कह दूंगा कि यानी ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, सी डी के ऊपर है गाइस। तो यानी यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि इसने बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब 90 डिग्री इधर हो गया, 90 डिग्री इधर हो गया। अगर इसको कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, तो इसका मतलब होगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। जी हाँ, इस थ्योरी को हमने समझना है। अब यानी आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, यानी इस मेंशुरेशन के अंदर आपको पर्टिकुलर क्या करना होगा, कुछ चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री की समझ में आनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये मैं चीजें आपको बताता चलूंगा, मैं चाहूंगा कि आपको मैं धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रूफ भी करके दूंगा भी ऐसी चीजें क्यों है। जी हाँ, अब अपने बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि मैंने अगर यहां पर लिखा है इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया, जी हाँ यहां लिखा ए बी और सी, ठीक है गाइस। तो ये मेरे पास तीनों एंगल इस तरह से हैं, इसका मतलब है कि तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये 90 डिग्री से छोटे हैं। तो जो भी एंगल थीटा, यानी मैं कह दूं कि 90 डिग्री से क्या है वो छोटे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो डेफिनेट 90 से छोटे होंगे। तो इस इन ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे कि एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे। जी हाँ, आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ नंबर टू पर। नंबर टू का मतलब ये हो गया कि अगर मैं कह दूं कि ए बी एंड सी, तो मेरे पास ये तीन है ए बी एंड सी। अब मैं अगर आपको कह दूं कि ये एंगल मेरे पास कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्वियस बात है एक बड़ा है तो दो छोटे होंगे, यानी मैं कह दूं कि 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बंधु, इसको हम कहेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, आपको याद रखना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। मैं आपको हिंदी में बताता चलूंगा, पंजाबी में बताता चलूंगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पेपर में कहते हैं अधिक कोण। जी हाँ, और जो मैंने आपको ऊपर बताया था एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है न्यून, न्यून का मतलब होता है छोटा कोण। जी हाँ, ये चीजें आपको याद आनी चाहिए पेपर में। इसके बाद में देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको ख्याल में रखनी है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं प्रूफ कर रहा था कि मान लो कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, जी हाँ ए बी एंड सी, पेपर में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूं कि मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ले लिया, मैंने इस साइड को कहा है एक्स और ये होगी वाई और ये होगी मेरे पास जेड। मैं अगर इसको ले लेता हूं जेड, तो ये हो गया मेरे पास जेड माइनस में ए। जी हाँ, समझ गए, ठीक है। अगर यहां पर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल की बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनिस होती है। और आपको ये मैंने अच्छे से समझाया था कि राइट एंगल के अंदर जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाता है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड दे दी जाए, बेसिकली पहले समझ लीजिए, इसको कहेंगे बेस, हिंदी में कहेंगे आधार, इसको कहेंगे हाइट, हाइट का मतलब होता है यहां पर ऊंचाई, और इसको कहेंगे भैया हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का मतलब होता है कर्ण। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनिस। जी हाँ, और अदर दो साइड क्या होती हैं, वो इनसे छोटी होती हैं, ये आपको अच्छे से ख्याल रख लेना है। जी हाँ, अब यानी बेसिक तरीका ये समझ गए आप। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे ये बढ़ते हैं कि पेपर में आपको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री एंगल कैसे है। आप 90 डिग्री मैंने एक फिगर बना दिया, तो आप इसमें कैसे प्रूफ कर पाएंगे, प्रूफ कैसे करेंगे आप। ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर बराबर है तो वही आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बाकी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगे। जी हाँ, ये आपको ख्याल रखना है। कैसे, मैं मान लेता हूं कि 3, 4 और 5। जी हाँ, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखो 5 किसको मानेंगे, पहली बात तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि 5 आप कौन सी साइड को मानेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, 5 सबसे बड़ी साइड मैंने बताया था हाइपोटेनिस होती है, इसको आप 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए। अब अपने फॉर्मूले में फिट करेंगे, हाइपोटेनिस का मतलब है कर्ण स्केयर, ये 5 का स्केयर हो गया, बेस मतलब 3 का स्केयर हो गया, ये 4 का स्केयर हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16। जी हाँ, इसके नीचे है 25 और 9 और 16 का मतलब 25, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये डेफिनेटली मेरे प्यारे बंधुओं राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जी हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल होगा,
ठीक है। इसके बाद में मैं जो आपको एक्चुअल में पॉइंट बता रहा था वो मेरा पॉइंट बीच में रह गया था, मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूं। मैंने कहा कि अपने पास एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये स्केल आइसोस्केल ट्राइंगल है, इनकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके बीच में अपने परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इस परपेंडिकुलर का नाम डी रख लेते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि ये आइसोस्केल ट्राइंगल नहीं है, नहीं पे लेते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल नहीं, इसको हम स्केलन ट्राइंगल मान लेते हैं, ये वाई हो गया और मैं इसको जेड मान लेता हूं, जेड ये कंप्लीट बी से सीडी तक होगा, ये जेड हो गया, तो यहां पर अपने क्या करेंगे जेड माइनस ए ले लो। अब अगर हम बात करेंगे यहां पर ट्राइंगल ले लेते हैं अपने, सबसे पहले आपको मानना है कि ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है गाइज, तो आपने वही अप्लाई करना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा आपके पास, जी हाँ समझ लेके चलिए मेरे क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर आपके पास क्या होगा कि जेड का स्क्वायर प्लस में, अगर आप इस ए डी को आपने मान लीजिए कि बी माना है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर बी का स्क्वायर, यहां तक आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर मैंने यहां पर भी, यहां पर अगर मैंने बी को फाइंड करना है तो बी को मैं अगर मान लो इसको के मान लेते हैं, सबसे अच्छा होगा के मान लेते हैं, के का स्क्वायर हम लोग हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया जेड का स्क्वायर माइनस में क्या हो गया एक्स का स्क्वायर, ये यहां तक सब स्टूडेंट समझदार होंगे, आप समझ गए होंगे, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार मैं ट्राइंगल क्या करता हूं कि ए डी सी में ले लेता हूं, तो मैं इसको ये कहूंगा कि के का स्क्वायर हो गया, मेरे पास किसका स्क्वायर हो गया, दूसरी तरफ हम लेंगे कि वाइस का स्क्वायर होगा, और माइनस में हम बेस का स्क्वायर लेंगे, तो बेस में हम क्या सकते हैं कि जेड माइनस ए का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन टू हो गया। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल रखूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल रखूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपने पास ये निकल के आएगा कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में यहां पर जो हमने जेड माना था तो जेड को हम क्या लिखेंगे यहां पर जेड का स्क्वायर, इज इक्वल सेकंड कंडीशन अपने पास क्या चली जाएगी वाई स्क्वायर, माइनस में हमें अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, जी गाइस मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में माइक की आवाज बंद हो गई थी, तो ये पूरे का पूरा सेटअप थोड़ा सा खराब हो गया था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा से मॉडिफाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हम इक्वल रखेंगे इन दोनों को, इक्वल रखने पर हम देखेंगे कि क्या आपके पास आंसर निकल के आता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा कि माइनस ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन था, यानी जब अपने ब्रैकेट ओपन कर देंगे क्या था अपने पास इक्वेशन, पर्टिकुलर बात करें तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर था, जब अपने ब्रैकेट इनका खोलेंगे तो ये अपने पास ए स्क्वायर माइनस वन बनेगा, कैसे बनेगा गाइस, ये आप सबको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी वाला फॉर्मूला सबको आता है ना, जी हाँ, ये प्लस होगा माइनस यहां पर होगा, जी हाँ, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो प्लस में टू ए एक्स होगा, यहां तक समझ गए, जी हाँ। अब अपने मैं बात करूंगा कि यहां पर ये माइनस का और ये माइनस का कट जाएगा, क्योंकि अगर हम इस एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया सी स्क्वायर, यहां पर बी प्लस का, तो इधर आके किसका बन जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, जी हाँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस का, इज इक्वल मैं कह दूंगा कि टू ए एक्स हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर यहां पर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया टू एक्स, जी हाँ। अब आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पर ट्राइंगल मैंने आपको दिया था ऊपर, ये ट्राइंगल मैंने इस प्रकार से दिया था आपको एक्स वाई और जेड, हमने इसको माना था कि सी है और ये बी है और ये ए है, इसके बीच में हमने एक इस प्रकार से परपेंडिकुलर लिया था जो डी है, जी हाँ, आप सबको मालूम है कि यहां पर बनने वाले दोनों एंगल राइट एंगल है, राइट एंगल है, तो इसका मतलब कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पर हम बात करें कि कॉस सी, माफ करना जरा, कॉस बी की बात करें तो कॉस बी किसके क्या होगा, कॉस बी की अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास होगा सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और यानी हम यहां पर क्या फिट कर देंगे टू ए, और कॉस एक्स की वैल्यू हम क्या मान लेंगे कि बी, जी हाँ, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये एक्स होगा और ये होगा अपने पास ए माइनस एक्स होगा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं अगर यहां पर पर्टिकुलर कॉस बी की बात करूं तो ये क्वेश्चन निकल के आएगा टू सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में टू ए, जी हाँ। यहां तक अगर आप में से कितने बंधुओं को क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप यहां पर ये क्वेश्चन का अंत निकाल के आएंगे, जी हाँ। अब ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है कि जैसे आपको सबको मालूम होगा कि कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये देखो 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपको मालूम है कि 0 से 90 के बीच में चलेंगे तो कॉस कितना होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, और 90 से जब 180 जाएंगे तो कॉस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा तो हम कंसिडर ये करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा एंगल मतलब होता है, सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी साइड अगर मैं बात करूं कि सी सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी सीट सी है तो उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटे वाली साइड है तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। ये बात आपको एडिशनल ध्यान रखना है, कैसे वो भी मैं बता देता हूं। देखो छोटी छोटी बातें जैसे भी निकल के आएंगी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छे से समझाता चलूं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने इसको एक्स, मैंने वाई, इसको जेड। मान लो एक्स सबसे बड़ी साइड है, एक्स का मतलब अगर मैं 5 लिख दूं, यहां पर 4, यहां पर 3, तो 5 के सबसे बड़े, 5 के सामने वाली साइड कौन सी है, सी है। तो इसका मतलब है कि एंगल सी भी सबसे बड़ा होगा, किन से, इन दो से। कैसे बड़ा होगा, मैं लिखूंगा सी इज ग्रेटर देन किन दोनों से, ए प्लस बी से। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है यार, ठीक है। हालांकि यहां पर प्लस नहीं लेंगे हम, प्लस ये लेंगे, कहने का मतलब होगा कि इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक है, कोमा लेंगे। चलिए तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यानी मैंने आपको ऊपर लिखा था कि कोई भी एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल को कैसे समझना है और ट्राइंगल को कैसे समझना है। मैं इसको थोड़ा सा यहां पर गैप दूंगा, मैंने ये क्यों किया है, मेरे को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये जरूरत आपको समझाता हूं मैं कैसे पड़ी है। देखो अब अगर मैं आपके सामने, मैंने बात रखी है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, जी हाँ, मैं इसको एक्स वाई जेड ले लेता हूं। मैंने कहा कि भाई ये साइड कौन सी, अपने पास ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो कि सबसे बड़ी साइड ए है, सबसे बड़ी साइड क्या, ए है। अगर ए बड़ी है तो आपको यहाँ छोटी छोटी बातें ख्याल में रखनी है मेरे प्यारे बंधुओं, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मैं अगर आपको इस क्वेश्चन पर्टिकुलर के अंदर समझाऊं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसी को आपने कंसीडर अलग तरीके से लेके चलना है, जी हाँ। अदर दो साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। कैसे होगी, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझ लीजिए, ठीक है। कैसे, देखो जरा, मैं कह दूंगा कि एक्स का स्केयर ये किससे ग्रेटर है, यानी अगर दो कौन कौन सी होगी कि बी का स्केयर प्लस में सी का स्केयर, तो यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब हम देख लेते हैं दूसरा, अगर यही आपके पास एक ए का स्केयर बराबर है बी का स्केयर और सी का स्केयर, तो ये क्या बन गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि यानी अगर मैं कह दूं कि सबसे बड़ी साइड ए है तो ए के स्केयर का सम यानी अदर टू साइड के स्केयर के सम के बराबर है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जी हाँ। थर्ड हम बात लेके चलते हैं कि अगर मान लो कि आपके सामने ए का स्केयर ये दोनों से बड़ा है, किन किन से बड़ा है, ध्यान रख लीजिए कि आपके पास बी का स्केयर और सी का स्केयर, इसका मतलब ये क्या है, कोई एक एंगल अदर दो से बड़ा होगा। तो वहां से हमने ऑब्ट्यूस निकाला, यहां पर एक साइड का जो स्केयर का सम करेंगे तो वो बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अब ये पूछा गया आपसे एसएससी के अंदर, तब मैंने आपके सामने रखा है। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास 3, 4 और 5 एक साइड है, आपने इसको 5 लिखा, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिखा, तो आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। यही आपके पास कोई डिफरेंट चीज होती है, डिफरेंट का मतलब कि अगर मैं ये ले लेता हूं 7, ये 3 और 4 है, 7 का स्केयर करेंगे 49 हो गया, 49 देखते हैं तो हम देखेंगे 3 का स्केयर 9 है और 4 का 16 है, तो 49 किन दोनों से बड़ा है, 25 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 25 से बड़ा है, तो हम कहेंगे कौन से, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, जी हाँ। अब ये चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम प्रूफ कर रहे थे ऊपर, मैंने प्रूफ कैसे किया, अब देखो कैसे, कि जहां पर आपको कॉस बी के इक्वल क्या लिखा, मैंने लिखा कि सी स्केयर प्लस में ए स्केयर माइनस में बी स्केयर अपॉन में क्या होगा 2a एंड c। ये ट्राइंगल है अपने पास, ये ट्राइंगल क्या था, एक्स वाई और जेड, ये हमने माना था, इसको सी माना था, इसको बी और ये मान लीजिए कि ए, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाली साइड की बात करें कि अगर कोस ए की बात निकालें, कोस ए की बात निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कोस ए के अंदर सबसे पहले आएगा अपने पास बी स्केयर, फिर आएगा सी स्केयर माइनस में ए स्केयर अपॉन में 2b एंड c, जी हाँ। अब इसके बाद में ले लीजिए आप कॉस, मान लीजिए कि आपके पास सी निकालना है आपने, तो आप लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस में सी स्केयर अपॉन में 2ab। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको रिपीट इसलिए करवाता हूं गाइस, यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। और अब हम प्रूफ करेंगे क्या ये वाकई ही इस प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको छोटा सा पॉइंट दिया था, पॉइंट ये दिया था कि मैंने ये बताया था कि अगर मैं इस प्रकार से प्रूफ करूं कि कोस यहां पर पॉजिटिव है, अगर कोस 90 डिग्री तक चलेगा, देखो कोस 90 के बराबर 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा,
यहां ये अगर आप लेके चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में हो जाएगा तो मैंने यहां पर आपके सामने कॉस बी की वैल्यू क्या लिखी थी, सी स्केयर प्लस में ए स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन में टू। अब हम देखो ऊपर वाले को लेके चलते हैं, ऊपर वाले को लेके चलते हैं तो ऑब्वियस बात है ये क्या होगा अपने पास, प्लस होगा। जी हाँ, ये क्या होगा अपने पास, यानी प्लस का मतलब पॉजिटिव होगा। ये बराबर किसके हैं, जीरो डिग्री के, जीरो डिग्री के पॉजिटिव हैं, तो ये सी स्केयर क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस में बी स्केयर, और मैं अगर इसको बाहर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये बी स्केयर। जी हाँ, आप ये बात समझ गए अच्छे से, इसको हम लोग प्रूफ करके लिखेंगे तो ये बात हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इन दो साइड से। जी हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है। तो अगर अगर इसके बराबर है तो डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब की बार, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे को दिया। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर, हम बात करेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं या पंजाबी में कहेंगे अपने समबाहु त्रिभुज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते किसे हैं, ठीक है, व्हेन आप नोट कर लो, ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल की सभी भुजाएं बराबर है लंबाई में, हम उसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ये ए और बी और सी है, इसका मतलब हो गया कि इनकी सभी भुजाएं क्या हैं, इसके सभी एंगल्स बराबर हैं, और ये सभी भुजाएं इनकी क्या है भैया, बराबर हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इनकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, बी सी बराबर सी ए, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होंगी, और इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जी हाँ, आप ये बात अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब यानी आप अगर आपको कहा जाता है, पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, पिछले साल एक पेपर में क्वेश्चन आया था, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करेंगे तो रूल होता है 3/4, यानी ए का स्केयर, 3/4 ए का स्केयर, तो आपने लगा देना है कि रूट 3/4 इंटू 4 इंटू 4 कट गया, तो आप क्या लिखेंगे 4√3। जी हाँ, ये आपके पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली सर्च आउट करने पड़ेंगे पेपर्स के लिए, लेकिन मैं आपको यहां तक सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से समझाता चलूंगा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कुछ चीजें आपको और भी यहां प्रूफ करके देनी है मैंने, इसलिए मेरा काम आपको अच्छे से समझाना है, आपका काम अच्छे से समझना है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि पैरामीटर की, ठीक है, आपको पैरामीटर पूछा जाता है, या आपको इस पैरामीटर का मतलब हिंदी में कहते हैं परिमाप, तो आप कह सकते हैं कि 3 × साइड। भाई यहां पर साइड क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो तीनों साइडें बराबर होती हैं, अगर मैंने 4 साइड ली थी तो 3 × 4 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा, जैसे कि ए बी सी हो गया, भाई ये भी 4 है ये भी 4 है, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। यहां तक आप सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आपसे दिमाग में ये होगा कि सर आपने लिखा है 3/4 ए का स्केयर, ये कहां से निकल के आया और क्यों आया, इसके बारे में हम डिस्कशन कर। जी गाइज, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, यही मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले हमें ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे जितने भी समझाऊंगा। सबसे पहले चीज, आपको मैक्सिमम टीचर पढ़ा देंगे, आपने किसी बुक में भी देखा होगा कि ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको एरिया दे दिया 3/4 ए का स्केयर, ये कहां से आया निकल के। अब आपको अगर ये पहला पॉइंट दे दिया, ये तो हो गया इसका एरिया। अब यानी आपको पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला ट्रिक बताइए, तो मैंने इसका ट्रिक लिखा 3/2 a। अब ये मैंने कहां से लिख दिए, आपको तो ध्यान होगा, आप रट्टा मार लेंगे, लेकिन आपका बेसिक्स इससे क्लियर नहीं ना हुआ, मैं ये क्लियर करवाना चाहता हूं। देखो, मैंने अगर मान लो इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ले लिया, जिस परपेंडिकुलर का नाम मैंने रखा डी, ठीक है, मेरे को पता है कि इसकी ऑल द साइड्स क्या होती, इक्वल होती हैं, तो भाई ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपने इसको क्या मानेंगे, ए बाई टू, और इसको क्या मानेंगे, ए बाई टू, ठीक है, आधी आधी हो जाएंगे। अब अपने काम करते हैं कि जब ये आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इधर भी राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल, राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस कहते हैं। हाइपोटेनिस कहेंगे तो हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बेस से हम आज का आंसर निकालेंगे। मैंने ले लिया ट्राइंगल ए डी एंड बी। जी हाँ,
हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए मैं काम करता हूं, छोटा सा फिगर ऊपर अगर मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया तो यहां पर बना लेता हूं कि ए बी और सी। मैंने इसको भी ए लिया, इसको भी ए लिया, इसके बीच में परपेंडिकुलर था, इसका नाम डी रखा था पॉइंट का, ये ए बाय टू हो गया और ये ए बाय टू हो गया। गाइस सबसे पहले अपने यहां पर लेंगे कि मैंने लिखा कि ए बी का स्केयर इज इक्वल, मैं ले लेता हूं कि बी डी का स्केयर, फिर मैं ले लेता हूं प्लस में ए डी का स्केयर। हमें तो हाइट फाइंड करनी है ना, हाइट यहां पर क्या होगी, कॉमन होगी, किसकी होगी, दोनों ट्राइंगल्स की। तो हम एक काम करते हैं कि ए डी को हम बाहर ले लेते हैं, हम यहां पर लिखेंगे ए बी का स्केयर माइनस में बी डी का स्केयर। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आप में से कितने लोग समझ चुके हैं वो मुझे प्लीज अपना हाथ ऊपर करके बताएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आपको अपनों की कसम है, ठीक है, मुझे क्या मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे है। ए का स्केयर करेंगे, बी डी का मतलब हो गया कि ए बाई टू का स्केयर, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा अपने पास, ए का स्केयर माइनस में ए का स्केयर अपॉन में टू टू जा फोर। यहां तक बात समझ में आ गई, जी हाँ। अब अपने काम करते हैं कि जब इसके अपॉन में वन लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कर लो, एलसीएम कितना आ गया फोर, फोर को अपने एक से डिवाइड किया तो फोर, फोर को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ। अब माइनस करेंगे तो गाइज ये क्या बन गया, थ्री ए स्केयर अपॉन में फोर बन गया। तो मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास ए डी का स्केयर इज इक्वल थ्री ए स्केयर अपॉन में फोर आ गया। जब मैं ए डी का स्केयर हटाऊंगा तो सामने वाला नंबर किस में आ जाएगा बंधु, रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ए का स्केयर तो ए तो बाहर निकाल दो, चाहे आप इसको रख दो तीन बाई चार और यहां पर इन टू में क्या हो गया ए का स्केयर बाहर कर दो एज इट इज, कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपके पास, यानी ये प्रूफ मैंने करके बताया कि आपका रूल आया कहां से है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये तो आपने हाइट का निकाला है, अब हाइट का निकाला है तो इसी क्वेश्चन को जब अपने रूट में रख के निकालेंगे तो 3a क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं, ये हो जाएगा अपने पास a और इस तरफ आपके पास 3 अपॉन में 2। जब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये फॉर्मूले में चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपको यहां पर अच्छे से समझ में आना चाहिए। जहां तक बात आती हाइट की, हाइट अपने पास निकालनी थी तो हाइट का फॉर्मूला क्या निकल के आया कि 3 अपॉन में टू और ए, ये अपने पास हाइट हो गई, जी हाँ। इस हाइट को आपने निकाल लिया, अब यानी ट्राइंगल का एरिया निकालना था, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू बेस इनटू हाइट, वन बाई टू किया, बेस कितना था ए बाई टू था, हाइट कितनी होगी रूट थ्री बाई टू इंटू ए हो गया। देखो अब आप चेक कर लो क्या होगा, अब आपको मालूम है कि जब आपने ये तो लगा दिया लेकिन आपको एक एरिया प्लस दोनों का एरिया निकालना है, कैसे निकालना है भाई, देखो एक एरिया तो ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो से दो कट गए, तो क्या बना, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रूट थ्री ए स्केयर, और दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार। ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया है कि यहां से इसका एरिया आता है। गाइस बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें प्रूफ के साथ समझाऊंगा ताकि मेरे किसी स्टूडेंट्स को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं खूबसूरत सा, जी हाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूं आप सबके लिए, तब मजा चलेगा कि आपको कितना समझ में आया क्वेश्चन में, कितना नहीं आया, ठीक है। मैंने कहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है आठ आठ सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा, तो आप लिखेंगे थ्री बाई फोर इंटू एट इंटू एट, ये टू से कैंसिल हो गया, तो अब आप लिखेंगे आठ दुनी सोलह रूट बाई तीन, इसका एरिया हो गया। अब आपको इससे पैरामीटर पूछा जा सकता है, तो पैरामीटर के लिए आप क्या करेंगे कि 8 प्लस 8 यानी तीनों टाइम अपने ऐड कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया, जी हाँ। अब अगर मान लीजिए कि आपको पूछा जाता है कि इसकी हाइट बताइए, हाइट के लिए आपको क्या करना है रूट थ्री बाई टू इंटू क्या कर देंगे साइड, साइड में ये कैंसिल कर देंगे चार, तो आपके पास चार रूट थ्री सेंटीमीटर आपके पास इसकी हाइट आ गई, जी हाँ हाइट इसके बीच में ये वाली। यहां तक आप में से सब बच्चों को समझ में आया, समझ में आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम टाइम शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर हो सकता है कि 40 मिनट 50 मिनट घंटा डेढ़ घंटा चल सकता है, क्योंकि मैंने आज ना खुद चाय बना के पी है और इतनी जबरदस्त चाय बनाई थी कि जैसे मैंने एक इलायची ठीक है एक लौंग पाया अदरक पाया बिच और जबरदस्त चाय बनी, फिर मैनु बड़ा सुरूर्जा हो गया हूं तो हूँ क्लास कंटिन्यू रहेगी, जी हाँ। चलिए अब अपने आगे काम करते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं विद्वान बंधुओं,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको हमेशा विचलित कर देंगी, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्टूडेंट कभी विचलित हो जाएं। चलिए छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं कि जब भी आपको क्या होगा कि ट्राइंगल के समलंब दे दिए जाएं। अब मैं काम करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कहा कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, हाइट कितनी ले लेते हैं अपने, एक काम करते हैं बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। जी हाँ, अब आपको पूछा जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपने इतनी हाइट ले ली है तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, आपने लेना है कि हाइट का स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे कि √3। ये कहां से आया, देखो अगर आप इसको प्रूफ करेंगे तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन मैंने यहां पर 36/√3 लिखा, ये आपका आंसर भी हो गया। हो सकता है कि पेपर वाला आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए √3/√3 दे दे, तो आपने क्या लिखना है कि 36√3/3 से कैंसिल हो गया, तो 12√3 आपका आंसर भी दिया जा सकता है। जी हाँ, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसीलिए छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें आपको सिखाता चलूंगा, ताकि ये छोटी छोटी बातें किताबों में बुक्स में कहीं पर नहीं होंगी गाइस, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं कि आपको अगर पेपर में कह दिया जाता है कि अगर जैसे मैंने कहा कि एक मेरे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, देर आर 3 साइड है, ये छोटा ए छोटी बी छोटी सी ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हीरो का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, माफ करना स्केलन ट्राइंगल है, ये मैंने 7 ले लिया, ये मैंने 9 ले लिया और ये मैंने 8 ले लिया, तीनों साइड इसके डिफरेंट होंगी। ठीक है, व्हेन ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, हम उसे क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। स्केलन ट्राइंगल के अंदर आपको प्रॉपर जब भी एरिया निकालना होगा तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, यहां पर इसकी साइड निकालनी होगी। जी हाँ, अब अगर मैं पूछ लूं कि इसके देखो 9 सेंटीमीटर साइड कौन सी है, ए और सी है, ए और सी के बिल्कुल सामने वाला एंगल बी है, बी एंगल सबसे बड़ा होगा। हालांकि इस फिगर पे मत जाइएगा, वैसे ये फिगर की बात करूं तो ऐसा नहीं बनेगा, मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन समझाने की बात कर रहा हूं। बेसिकली बात करें तो आप अगर आपको आइसोस्केल ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल का फिगर बनाना है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ये बनेगा यूं करके। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। जी हाँ, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तभी ही आप इसको आइसोस्केलन ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, पत्ते बिखर रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। यहां पर मैं लिखूं कि 7+8+9/2, टोटल 15+9 24/2, इसका मतलब हो गया 12। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फॉर्मूले में फिट करना पड़ेगा। इस एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब पैरामीटर। ठीक है, सब पैरामीटर होता है। जी हाँ, अब इसका एरिया निकालना, तो आप एरिया इस बेस से निकालेंगे, सब पैरामीटर यानी यहां पर लिखेंगे S-A इंटू S-B और इंटू S-C। जी हाँ, इस बेस पे अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर 12 लिखा और यहां पर देखो 12। अब A कौन सी साइड होगी, A के बिल्कुल सामने वाली साइड है 8, B के सामने वाली है 9, C के सामने वाली है 7। जी हाँ, तो मैंने कहा कि A के सामने वाली साइड होगी 8, फिर मैंने कहा कि इंटू एस, एस का मतलब 12, सब पैरामीटर 12 है, बी के बिल्कुल सामने वाली साइड 9 हो गई, फिर मैंने कहा कि एस सी, ठीक है यहां पर 12 और सी के बिल्कुल सामने वाली साइड कितने सेंटीमीटर होगी, सी के बिल्कुल सामने वाली होगी 7। जी हाँ गाइस, मैंने यहां पर लिखा 7, इनके ऊपर रूट है, और फिर मैं आप अगर आपको समझाऊं तो इस प्रकार मैं लिखूंगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये मेरे पास 5 हो गया। जी हाँ, अब इसमें कॉमन फैक्टर बनाने की बात करूं तो कॉमन फैक्टर मैं इसको 4 × 3 × 4 × 3 × 5 में लिख सकता हूं। अब अगर मैंने ऐसा लिखा है तो आप ये कह सकते हैं कि 4 यहां से 4 यहां से, तो 4 कॉमन बाहर ले लिया, 3 कॉमन आ गया और आपके पास 5 बच गया, तो 12√5 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, आपको मैंने समझा दिए हैं। ठीक है, यानी हमने ये सभी ट्राइंगल्स के बारे में समझ लिया है, ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन थी क्वेश्चंस की। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी आपके पास बुक है प्रैक्टिस करें। मैंने आपको क्या करवाना है, देखो मैं आपको समझा देता हूं, मैं करवाने वाला क्यों हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबका पीछा। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार, इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, इस प्रकार से वो दे देगा आपको। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि अगर ये एक्स वाई जेड है तो बताएं इसका एरिया कितना होगा, फिर इसके बाद में हम इस पे बात करेंगे कि एल्टीट्यूड ले लिया मैंने, मीडियन ले लिया, तो आपसे ये पूछ लेगा कि अगर ए बी और ये सी है और ये डी है और ये ई है तो बताएं कि इस ट्राइंगल का बीच में एरिया कितना होगा, ये ट्राइंगल बनेगा। फिर इसके बाद में मैं बताऊं आप सबको
कि ये छोटी छोटी बातें और भी आगे हैं कि ए फिर बी और सी एक ट्राइंगल है। अगर ये कहा जाता है कि बी सी के पैरेलल अगर ये साइड है ई और डी, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि अगर ये बराबर है, मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ले लिया जिसका नाम रखा एफ और यहां पर रखा जिसका नाम जी, तो आपसे पूछ सकता है कि ई डी एफ जी का एरिया कितना है। जी हाँ, अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। मैंने अगर ये क्वेश्चन को इस प्रकार से बना दिया, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, अब अगर ट्राइंगल बनाने के बीच में अगर आपसे यूं परपेंडिकुलर ले लिया जाता है एक, ठीक है, अब अगर मान लो कि आपको ये एक्स दे दिया गया, ये वाई दे दिया गया, जेड दे दिया गया, ये मैंने पी दे दिया गया, तो इस पर्टिकुलर साइड की बात करें तो ये अगर यहां पर आती है तो ये मैंने एम ले लिया। तो ये छोटी छोटी बातें आती है निकलकर, आपसे यूं पूछ लेगा कि बताए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, या आपसे यूं पूछ लेगा इसका एरिया कितना है, इधर एरिया कितना है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मैं अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं, अब अगर मैं तीनों को मिला दूं तो बीच में जो एरिया शेडेड पार्ट होगा इसका एरिया कितना होगा, तो ये सभी बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। इतनी जबरदस्त ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बिना पेन और बिना पेपर करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बार बार समझाऊंगा, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, टाइम लूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आपको चार क्वेश्चन लिख दिए और ट्रिक्स बता दी, बात खत्म हो गई। आप कुछ पल के लिए कहेंगे वाह 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 बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपको तकलीफ होगी। कैसे होगी? जब आपको कंसेप्ट पता नहीं है। मैंने अब क्या बताया आपको, ये मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ करके दिए कि नहीं दिए, ठीक है, ये प्रूफ किया हमने, फिर ये 1/2 बेस इनटू हाइट प्रूफ किया, ट्राइंगल 180 डिग्री का क्यों होता है। अगर ट्राइंगल 180 डिग्री का कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपको कैसे पता चलेगा? मैंने यहां पर लिखा 3, 4 और 5, कौन सा ट्राइंगल है ये, आपको कैसे पता चलेगा? मैंने ये कहा कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, ट्राइंगल का पता कैसे चलता है, ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड अदर दो साइड के सम से बड़ी है, अदर दो साइड के सम से क्या है, बड़ी है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल होगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं होगा, ये बात आपको मालूम चलेगी। फिर मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे आपको यानी कॉस थीटा के बेस से मैंने प्रूफ करके दिया, तो ये चीजें आपको कहीं किताब में सीखने को नहीं मिलेगी, यही आप प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीख सकते हैं। जी हाँ, एंड थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन, यू हैव गिवन मी टाइम। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन की जो सेकंड क्लास होगी वो 3 बजे होगी, 3 बजे की क्लास आप बिल्कुल भी देखना नहीं भूलें। इसके बीच में हो सकता है आप सबके लिए क्लास एक और हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1800 एमसीक्यू सीरीज भी चलती है क्लास, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप जरूर जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबने हमें टाइम दिया।